जनता से अपील करना चाह रहा हूँ कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में जितने विकास हुए वो आगे आने वाले समय में विकास पुरुष कहलाएंगे। उन्होंने बहुत ही अल्प समय में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, मेट्रो और सबसे बड़ी बात जो आम जनता की आवश्यक आवश्यकताओं में थी कि हमको अगर कोई परेशानी है तो हम थाने जा रहे हैं, हमारी कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, उन्होंने विदेश से विदेश की पढ़ाई से और वहाँ की तकनीक से यहाँ पे 100 नंबर वाहन चलाया। अगर हमको दिक्कत है तो हमने फ़ोन किया और तुरंत पुलिस हमारे पास उपस्थित होती है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा राहत कार्य है और उससे बड़ी से बड़ी घटनाएं टल जा रही हैं। मौजूदा सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया, वो केवल शिलान्यास का शिलान्यास करते हैं, नाम तो बदल देते हैं। उन्होंने 100 का 112 कर दिया लेकिन 100 की स्कीम के समरूप उसके अनुरूप कोई ऐसी स्कीम नहीं चलाई जिससे उनको भी सराहा जाता। नौजवान बेरोजगारी से जूझ रहा है, अब तक कोई ऐसी नौकरी नहीं किनारे लगी है, केवल इनकी विज्ञप्ति हवा हवाई अखबारों में रहती है और जमीन धरातल पर कोई वो नहीं आती है। तो लिहाजा नौजवान परेशान है, किसान परेशान है और सबसे बड़ी बात इससे भी महत्वपूर्ण की बात है कि इस वक्त लोकतंत्र खतरे में है। ये सारे मौलिक अधिकार जिनके तहत हमको बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो कानून जो हमको मौलिक अधिकार दिए, धीरे धीरे उन सारे मौलिक अधिकारों को ये खत्म करते जा रहे हैं। और जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी यहाँ व्यापार करने, फिर वो सरकार के रूप में बन गई, इसी तरह से ये सरकार अब सरकार नहीं है, कंपनी के रूप में, और ये आगे आने वाले इनकी सोच इनकी अच्छी नहीं है। इस सरकार का बदलना बहुत ज़रूरी है और अगर लोकतंत्र को बचाना है तो सभी लोगों को एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी की हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जो एक जनप्रिय लोकप्रिय नेता हैं, माननीय मुलायम सिंह जी इसके संरक्षक हैं, उनके भावनाओं को और इन सारी चीज़ों को सभी वर्गों के लोगों को एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी की सरकार बने जिससे किसानों नौजवानों और सारी लोकतंत्र को बचाया जाए। मैं आम जनता से अपील करना चाह रहा हूँ कि 2022 में हमारे जनप्रिय माननीय लोक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो लोकप्रिय हैं बहुत, ये विपक्षियों के ही दिल में वो कह नहीं पाते हैं लेकिन अंदर से वो भी सराहते हैं इनके विकास कार्यों, वो भी इनके विकास कार्यों का लोहा मानते हैं। और ये केवल उद्घाटन का उद्घाटन, अब तक की 4.5 साल की सरकार में 4.5 साल होने की सरकार जो है इनकी हो गई है 4.5 साल की, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं जमीन पर दिखाई दिया जिसके बारे से इनको इनकी पहचान बनती। मैं जनता से अपील करना चाह रहा हूँ कि 2022 में सभी लोग सारे मतभेदों को बढ़ा करके सभी लोग एकजुट होकर के सपा की सरकार बनाएं और देश और प्रदेश में खुशहाली लाएं। नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं UP76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। जमीन की तलाश में आज मोहम्मदाबाद चेयरमैन हरीश यादव की बात, एक ऐसे शख्स की बात जो पुलिस विभाग में रहकर कई पदों से नवाजा गया, जिसके पूरे पुलिस कार्यकाल में एक भी दाग नहीं लग पाया। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें UP76 न्यूज़। जमीन की तलाश एपिसोड में आपका स्वागत है। अपनी बात शुरू करने से पहले ये कहना जरूरी है कि चला था राहे मंजिल पर अकेला और लोग मिलते रहे और कारवां बनता गया। मोहम्मदाबाद चेयरमैन हरीश यादव का जन्म थाना मोहम्मदाबाद के गांव रोहिला में 10/10/1956 को हुआ। हरीश यादव पुत्र सुदामा सिंह यादव ने अपनी शिक्षा पूर्ण कर पुलिस भर्ती में पूरे उत्तर प्रदेश में 20 वैकेंसी में से अपने दम पर भर्ती में चयनित होकर जिले में नहीं उत्तर प्रदेश में प्रथम आकर 1975 पुलिस विभाग में आरक्षी पद पर दिनांक 15/3/1995 फर्रुखाबाद में नियुक्त हुए और अपनी सेवा के चलते मुख्य आरक्षी परिवहन पद पर 1998 में पदोन्नति होकर जनपद इटावा में तैनात हुए। सरकार व जनता के प्रति हरीश यादव जी की लगन देखते हुए उन्हें पदोन्नति करते हुए सरकार ने दिनांक 17/12/2008 में उप निरीक्षक पद देकर जनपद कन्नौज में तैनात किया और उसी पद पर दिनांक 2/8/2010 में जनपद मथुरा में तैनाती दी।
चेयरमैन हरीश यादव अथक परिश्रमी, लगनशील एवं अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा आत्मनिर्भर रहे। उन्हें जो भी कार्य सौंपा गया वह पूर्ण निष्ठा ईमानदारी से निभाया, इसीलिए सरकार ने उन्हें 109 नगद पुरस्कार एवं 37 बार उत्तम विशिष्ट अर्जित हरीश यादव के संपूर्ण सेवा काल में ऐसा कोई भी अवसर नहीं दिया जिसके प्रति सरकार या जनता उन पर उंगली भी उठा पाए। उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, इनके सभी वार्षिक मंत्र उत्कर्ष श्रेणी के हैं। इनकी सेवाओं को दृष्टिगत रखते हुए सन 2004 में राज्य सरकार द्वारा सराहनीय सेवा पदक से नवाजा और सन 2014 में महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने दिनांक 26/1/2014 को पुलिस पदक से सम्मानित किया। हरीश यादव जी का समय समय पर उच्च अधिकारियों द्वारा उनकी अच्छी सेवाओं के लिए कई बार प्रशस्ति पत्र प्राप्त कर चुके हैं। इनके पूरे कार्यकाल में सत्य निष्ठा रोकी नहीं गई और ना ही सत्य निष्ठा रिजर्व की गई। मोहम्मदाबाद चेयरमैन हरीश यादव जी को उनके कार्यकाल में एक नहीं, दो नहीं, 10-20-50 नहीं, पूरे के पूरे 146 बार पुलिस पदक हासिल कर अपना और अपनी जनता के प्रति सेवा भाव, वही जनता का सेवा भाव लेकर हरीश यादव जी ने पुलिस प्रशासन से सेवानिवृत्त होने के बाद राजनीति की दुनिया में कदम रखा। यहाँ ये कहना उचित रहेगा कि कोयले की खान में जाकर बिना दाग लगे वापस आना नामुमकिन है, और इस नामुमकिन कार्य को मोहम्मदाबाद चेयरमैन हरीश यादव ने मुमकिन कर दिखाया। और सेवानिवृत्त होने के उपरांत मोहम्मदाबाद जैसी अति संवेदनशील नगर पंचायत सीट, जिस पर लगभग 15 वर्षों तक अराजकता का माहौल रहा, पर मात्र रिटायरमेंट के बाद 6 माह के समय में चेयरमैन पद की जनता के कहने पर दावेदारी की और राजनीतिक की किसी भी प्रकार का ज्ञान ना होते हुए भी प्रथम बार में ही समाजवादी पार्टी मुखिया के आशीर्वाद से अपने प्रतिद्वंदी को जमानत जब्त करा दी और मोहम्मदाबाद चेयरमैन सीट सपा की झोली में डाल दी, और बिना राजनीतिक अनुभव के अपने सहयोगियों के चलते चेयरमैन पद पर आसीन होकर नगर पंचायत मोहम्मदाबाद की दशा और दिशा दोनों ही बदल डाली। धीरे धीरे चेयरमैन हरीश यादव अपनी सेवाओं के चलते पूरी भोजपुर विधानसभा में मशहूर होने लगे। 2022 में विधानसभा चुनाव के चलते और भोजपुर विकास धरातल पर देखते हुए जनता चहुं ओर से सिर्फ एक ही आवाज उठा रही है, हरीश यादव। जनता की बेहद मांग को देखते हुए और जनता के प्रति सेवा भाव का दायरा बढ़ाने के लिए मोहम्मदाबाद चेयरमैन हरीश यादव ने भोजपुर विधानसभा से दावेदारी की है, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता को ही फैसला करना है और भोजपुर जनता खुद अपना विधायक चुनना चाहती है। बस सपा मुखिया का आशीर्वाद मिलना है और सपा मुखिया भी यही चाहते हैं कि ऐसा प्रत्याशी हो जो बेदाग छवि का धनी और जो सिर्फ जनता की सेवा भाव में अपना मन रखता हो। इस क्रम में मोहम्मदाबाद चेयरमैन से बेहतर और कोई नहीं। जनता और समाजवादी पार्टी इस बात को जरूर ध्यान में रखते हैं कि मात्र 6 माह में जिसने जनता के विश्वास का दम रखकर मोहम्मदाबाद नगर पंचायत की सीट पर सभा का झंडा फहरा दिया, और अब वक्त आ गया है कि 195 विधानसभा भोजपुर में हरीश यादव जी द्वारा सपा का झंडा फहरने वाला है। जरूरत है तो सिर्फ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के आशीर्वाद की, और आने वाले समय में ऐसा ही होने वाला है। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी खबर पाने के लिए। और एक बार मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें UP76 न्यूज। हम फिर लौटेंगे अपने जमीन की तलाश एपिसोड में किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली, जय हिंद।